नमस्कार, मैं हूं चंद्रदेव बर्नवाल। अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। दर्शकों, मैं यहां आपको बता दूं कि पिछले दो दिन पूर्व बड़ी भारी जोर से तूफान आया था। काफ़ी मात्रा में बर्फबारी हुई है, जिसके कारण से दर्जनों मकान गिरकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और हमको लगता है कि कम से कम 1 करोड़ रुपये की फसल नष्ट हो गया, जिसके कारण लोगों को खाने पीने की बहुत काफ़ी तकलीफ हो गई है। लोग रो चिल्ला रहे हैं। आइए कुछ लोगों से जानते हैं, हमारे साथ काफ़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हैं, जानते हैं कि आखिर इस गांव में कितने रुपये की क्षति हुई है। सबसे पहले आप बताइए माता, आपका नाम क्या है? कौन गांव है? मकनकेन। पंचायत कौन पड़ता है? तो इस गांव में क्या क्या क्षति हुआ है? क्षति हुआ, घर हुआ है, लारी हुआ है, गाँव हो गया, बूट हुआ है, हुआ है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? सीताराम। कौन गांव हुआ आपका? क्या क्या क्षति हुआ इस गांव में? गोट, सरसों, आलू, लहरी, घर। घर कितना घर तबाह, मतलब क्षतिग्रस्त हुआ? क्षतिग्रस्त खपरा वाला घर। कितना घर होगा गांव में? 40-50 घर सब क्षति हो गया। चलिए ठीक है। और कोई? और देखिए इधर एक महिला खड़ा है, इनसे भी थोड़ा जानते हैं। आप जरा अपना नाम बताइए। चीना देवी। चीना देवी, क्या क्या क्षति हुआ यहाँ पर? क्षति अलुआ हुआ है, गेहूँ हुआ है, लहरी हुआ है। अच्छा, ये क्षति कैसे हुआ? क्षति यहाँ पत्थर पड़ा है, बरसा हुआ है, पूरा बरसा हुआ। हाँ, पत्थर भी काफी पड़ा है। हाँ, काफी पड़ा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। दर्शकों, अब देखिए इस गांव में जो क्षति हुआ है पत्थर वारी से, वो आप दिखा रहे हैं। देखिए ये सारे खेत देख रहे हैं, आलू की फसल है जो पत्थर के कारण से पूरी तरह से सड़ चुका है। और आइए इधर दिखाते हैं आपको, आइए इधर देखिए। गोभी, फूलगोभी जो सब्जी लोग खाते हैं, सब फूलगोभी और बंधा गोभी है, किस तक क्या स्थिति इसका हो गया, ये दिखाते हैं। आइए देखिए, ये पत्थर की वजह से गोभी का स्थिति क्या हो गया है, पूरे खत्म हो चुका है, एक भी गोभी फसल नहीं बचा है। और इधर आप देख सकते हैं धनिया, आगे देखिए वो अरहर का फसल है जो पूरी तरह से एक भी दाना वृक्ष में नहीं लगा हुआ है। आइए इसके लिए जानकारी लेते हैं, हमारे इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जी जुड़े हुए हैं, जिनका नाम रोहित यादव है। हाँ मुखिया जी, आप बताइए किसानों का जो इतना फसल नष्ट हुआ है, इसके लिए आप किसानों के लिए सहयोग के रूप में कुछ कर रहे हैं, मतलब पदाधिकारी वगैरह को जानकारी दी है इनको मुहैया के लिए? जी, हम तो आवेदन सीओ साहब को भी लिखित आवेदन दिए हैं सोनो प्रखंड में जी, और वहाँ सीओ साहब हम लोग को हिदायत किए कि आपदा के जगह पर जो भी फायदा होगा किसानों को हम लोग देंगे, मुहैया कराएंगे। हम लोग किसानों को बीच में आ जाए हैं और इन लोगों को साथ रहेंगे, और जो लाभ मिलेगा सरकारी द्वारा वो हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। की नाम हलो तो? क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? डेढ़ बीघा तो लटनो चल गया, डेढ़ बीघा सरसों चल गया और बलियो चल गया। अच्छा अच्छा, 5 कट्ठा प्याज चल गया। अच्छा, की नाम होले तो? धनश्री देवी। कहाँ, कौन घर कहाँ है? हिराटन। कौन पंचायत पड़ता है? लाली लेवा। क्या हुआ आपके साथ? घर गया सब, चार धान सब भींग गया सर। कैसे भींग गया? अंधर झखड़ से। अरे कैसे टूटा है, पत्थर पड़ा था क्या? हाँ, पत्थर पड़ा रहने आया से सब गिर गया, टूट गया सब। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? बच्चू तुरी। क्या हुआ आपका? मेरा मकान गिर गया है, प्याज सड़ गया है, गेहूँ खत्म हो गया है, उसके बाद धान उन पूरे मतलब मकान में जितना जो था वो खत्म हो गया है। दस बोरा धान बोले सो वो सब खत्म हो गए, सब सड़ जीते सब। अच्छा ठीक,